सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश वीडियो। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आशा करते हैं भाई सब बढ़िया ही होंगे। भाई जैसे कि आप लोगों को पता है, मतलब मैं एक डेढ़ हफ्ते से अराउंड मतलब एक नया एक्शन कैंप लिया है। आप लोगों को काफी लोगों को पता है जो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे हो भाई मैंने उस एक्शन कैंप के बारे में मतलब रिव्यू वगैरह क्यों नहीं दिया। तो भाई इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मैं एक्चुअली उसे खुद यूज़ करके देखना चाहता था एक्चुअली में कैमरा है कैसा, उसके बाद मैं पूरा समझ लूंगा उसे, फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था। जो वो दिन आज आ ही चुका है दोस्तों, तो आप इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ रहे भाई कौन सा कैम है, क्या है क्या नहीं है, तो वो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ भाई कैसे आप एक बजट एक्शन कैम से एक बेहतरीन आउटपुट निकाल सकते हो। मतलब आपने देखा होगा भाई एक्शन कैम में क्या होता है, किसी में ऑडियो अच्छी नहीं आती, किसी में वीडियो अच्छी नहीं आती। तो इस कैमरे के बारे में पहले बात करते हैं, ये कैमरा मेरे हाथ में रखा है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रो टिप्स। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स की। तुम देख रहे हो भाई कैमरा का नाम है कैमपार्क X30। X30 कैमरा भाई ये सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊँ मैंने क्यों चूज़ करा ये। भाई पहली बात तो ये 8000 के बजट में आने वाला पहला 4K कैमरा है जो 60 FPS में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इसका FPS नहीं पता है, इसके लिए बता देता हूँ मैं। मतलब ये मान के चलो आप FPS फ्रेम रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खासकर मोटो ब्लॉगिंग जब आप कर रहे हो तो फिर 60 FPS मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मान के चलो। मतलब वीडियो आपकी स्मूथ चलेगी, 30 FPS में थोड़ा सा हल्का सा लैग सा रहेगा, 60 FPS में एकदम सुपर स्मूथ चलती है जो कि बहुत जरूरी है। मतलब भाई व्यूअर्स आपको तभी मिलेंगे, ठीक है। मैं जो एक्चुअल में फील करता हूँ कैमरे के बारे में वो आपको बताऊंगा जल्दी से, फटाफट देखते हैं अंदर क्या मिल जाता है। ये भाई वाटरप्रूफ केसिंग, ठीक है, बहुत सही चीज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है, एक बैटरी कैमरे में लगी आती है। कैमरा मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है कैमरा, ठीक है। एंड इसके अंदर भाई मिल जाती है सारी एक्सेसरीज, दुनिया भर में जितनी भी एक्सेसरीज यूज़ होती है ना एक्शन कैम के साथ वो सब इसमें आपको मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यूज़र मैनुअल ये रही। ओके गाइस, तो इसे करते हैं भाई साइड में रखते हैं। जैसे कि अगर आप अंडर वाटर शॉट्स वगैरह लेने हैं या फिर बरसात में व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो आप इसे लगा लो, बहुत सही चीज़ है। तो इससे आपका हो जाएगा कैमरा वाटरप्रूफ दोस्तों। एंड या दिस इज़ द पीस ऑफ आर्ट, बहुत सही चीज़ है, कैमपार्क एक्सट्रीम USD 4K, ठीक है। इसे ऑन करके देख लेते हैं दोस्तों। पहले इसका ऑन बटन ये रहा, एक सेकंड, यहाँ से आपको शायद अच्छा दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो लाइट जल जाती है, फुल टच स्क्रीन है। सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊँ इस कैमरे की यार, इसका जो रिस्पांस है ना, टच स्क्रीन का रिस्पांस जो है बहुत प्यारा रिस्पांस है। मतलब क्या है बताऊँ आपको, देखो फील आ जाती है एकदम, ठीक है एकदम। ये मैंने कल रिकॉर्ड करी थी एक्चुअली, बट एंगल सही नहीं आया था, दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। एंड दिस इज़ द स्क्रीन। अब थोड़ा सा इसके स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको फीचर मिल जाते हैं। हाँ पहले बटन दिखाता हूँ आपको, दो बटन यहाँ पे साइड में है अप एंड डाउन करने के लिए, और एक ऊपर बटन ही शटर बटन है, इसको दबाओगे तो कैप्चर हो जाएगी वीडियो। एंड दोस्तों अब देखो अभी क्या मैंने सेट कर रखा है 2.7 के 30 FPS में, और 30 FPS में भी आप देखो मतलब कितनी अच्छी रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि इसके शॉट्स में भी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। बाकी आप देख लो यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको कहाँ कहाँ तक का मिल जाता है, 4K 30, 4K 60, ठीक है। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा ना आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन में मिल जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। EIS आपने सुना होगा, जैसे वीडियो अगर आपकी शेकी रिकॉर्ड होती है EIS ऑन कर दोगे तो वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगी और बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है आपकी। तो आप थोड़े से सैंपल शॉट्स देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि iPhone 11 Pro। जो लोग आप मेरे को ऑलरेडी जानते हैं उन्हें पता है मैं इसी फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। मतलब बेसिकली मेरा प्राइमरी कैमरा मेरा यही है, फ़ोन है मेरा, बाकी सेकेंडरी मैं यूज़ करता हूँ सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह लेने के लिए। तो इसे यूज़ करके दिखाता हूँ पहले आपको इसमें क्या प्रोज है, क्या कौन से, वैसे आपको खुद ही पता लग जाएगा बट तब भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों अब मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, मैं एक्शन कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमपार्क से, और तुम देखो भाई ऑडियो वगैरह कैसी आ रही है। और 2.7 के 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय, और EIS ऑन है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है इस समय। तो आप देखो भाई मैं क्या है ना, एक्चुअली 4K 1080p में दिखाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो लंबे करने वाली बात है, मतलब भाई तो मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ 2.7 के, मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन है इसमें। क्या है कि मेमोरी साइज आपको ज़्यादा भी नहीं बैठेगा, और सबसे अच्छी चीज़ क्वालिटी में आपको बहुत डिसेंट मिलने वाली है इसमें। आपने भाई इतने में एक चीज़ तो नोटिस कर ली होगी कि इसका ऑडियो आउटपुट काफ़ी बेकार है, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ऑडियो के लिए भी मैं बताने वाला हूँ आपको क्या चीज़ आपको करनी है कि आपको ऑडियो आगे बेहतरीन आएगी। बाकी वीडियो क्वालिटी देखो भाई मेरे हिसाब से, पैसों के हिसाब से बहुत सही मिल रही है आपको, 8000 रुपये में यार एक्शन कैम में कुछ भी नहीं आता भाई, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि भाई ऑडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव करोगे इसकी। तो ये तो होगा सिंपल ब्लॉगिंग वाले शॉट्स, अब मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, हम बाहर निकलते हैं मोटो ब्लॉगिंग करके दिखाता हूँ, तो आपको बताता हूँ कैसे जो है आपको ऑडियो को इंप्रूव कर सकते हो। तो एक चीज़ और बताना था मेरे को आपको, अगर आप जैसे मोटो ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो इस कैम से, हालांकि जो माउंट्स वगैरह मिलेंगे आपको इसके साथ वो सफिशियंट है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या होता है एक्शन कैम के साथ ना, किसी के साथ ये वाला माउंट नहीं मिलता, ये एक्चुअली स्ट्रैप है, अलग स्ट्रैप है, हेलमेट स्ट्रैप कहते हैं, हेलमेट चेन स्ट्रैप कहते हैं इसे। तो ये मैंने अलग से परचेज करा हुआ है, अगर आप पुराने बंदे हो तो आपको पता होगा ऑलरेडी, मैं भाई इसे लगा के फोन इसमें लगा के फिर मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ मैं। तो ये बहुत सही चीज़ है दोस्तों, अगर आपको इस कैमरे से भी मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो आप मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग इसे ले लो, वरना आपकी मर्जी है। वो सिंपल आपको एक होगा, वो डबल टेप होते हैं, डबल टेप से पेस्ट हो जाता है हेलमेट में, बट यार उसका डिसएडवांटेज यही है
डबल टैप से पेस तो भले ही हो जाएगा बट आपको फिर हेलमेट खराब हो जाता है, ग्लू ग्लू से हो जाता है, मजा नहीं आता उसमें। तो ये क्या है, इसका फायदा होगा आपको हेलमेट लग जाएगा मस्त करके और आप भाई मॉडलिंग कर सकते हो और कैमरा आपका इसमें लग जाता है, कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी अगर स्ट्रैप के बारे में और देखना होगा मतलब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने बता रखा है कि कौन सा मॉडलिंग कैसे कर सकते हो आप, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर लो, आई बटन में भी डाल दूंगा। भाई कल ही पेट्रोल भरवाया था मैंने 200 रुपये का, इसमें फिर से लो फ्यूल लेवल दिखाने लगी, बिल्कुल ही 390 हो रही है फ्यूल कंजम्पशन के मामले में। तो इतना पेट्रोल पिएगी 125 भी फिर तो हो लिया काम भाई। तो भाई शॉर्ट स्पिन पे हम आ गए हैं तुम्हें रिजल्ट्स दिखाने के लिए कैमरे के। अरे यार ये बैच बंद कर रखा है जी, खुल गया। मेन रोड पर ही ले लेते हैं, थोड़ा सा मेन रोड पर थोड़ा अच्छा सा व्यू आ जाएगा दोस्तों। और ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि मैंने गाड़ी के कागज़ वगैरह नहीं लिए हैं, तो शॉर्ट्स भी नहीं, घर के आसपास ही रहेंगे, फिर छोटा स्पिन मार के आएंगे। सिंपल से आपका मेरा ऑब्जेक्टिव यही, अरे पुलिस वाले भैया कैसे खड़े हैं सामने, तो तुम चेक कर सकते हो भाई। इस समय मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कैंप पार्क से और इसका रेजोल्यूशन है भाई 2.7K 30 FPS में रिकॉर्ड हो रही है और EIS ऑन है इस समय। EIS भाई देखो ऑफ करके मत रिकॉर्ड करना ऑब्वियसली यार, क्योंकि EIS बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए। बाकी रिजल्ट्स आपके सामने, आप बताओ कैसी लग रही है वीडियो अभी तक। एक्चुअली ऐसे मुझे भी नहीं पता, मैं भी घर जाके चेक करूंगा अभी। एंड हाँ भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ना कैमरे की नहीं है, तो इसे सुन के धोखा मत खाना, ये एक्चुअली मेरे फ़ोन की ऑडियो रिकॉर्ड है। मतलब क्या कर रखा है मैंने ना, ईयरफोन लगा रखी हेलमेट में और वो कनेक्ट कर रखा है अपने फ़ोन से, फ़ोन मेरा जेब में रखा हुआ है, तो फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इसमें भी हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं होता, कान मास्टर से एडिटिंग जिससे भी आप करते होगे उसकी ऑडियो के नीचे ओवरलैप कर देंगे तो हो गया सिंपल काम। तो ये मैं आपको प्रो टिप बता रहा था दोस्तों। अरे यार मैं तो 60 सेकंड की रेड लाइट है, बड़ी समस्या है भाई, बस एंगल वैंगल सही से आ रहा हो यार। पिछली बार क्या होता, मैंने कल भी वीडियो रिकॉर्ड करी थी इसी से एक्शन कैम से ही, बट एंगल बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा था, यू नो फर्स्ट टाइम था एक्शन कैम से, क्या करें। यहां क्या हो गया। तो भाई जिस भाई को भी थोड़ा बहुत भी अगर जो है क्वालिटी अच्छी लग रही हो कैमरे की तो भाई परचेस कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। मैं जो जो मैंने चीज़ें दिखाई है वीडियो में, ऐसे चिन स्ट्रैप हो गया, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कैमरे का भी डाल दूंगा, तो भाई आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। यहाँ से राइट ले लूँ क्या, यहाँ से राइट ले लेते हैं वरना थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएंगे हम। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पूछो तो भाई 8000 के हिसाब से सही कैमरा है बिगिनर लेवल के लिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो मोटो व्लॉगिंग की, स्टार्ट ही कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से भाई बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि देखो यार मैं देखो क्या होता है, मैं फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग करता हूँ ठीक है, तो काफ़ी लोग मेरे से ये इंस्पायर होते हैं कि भाई फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग करेंगे हम, तो ये बंदा भी कर रहा है। बट भाई डिफरेंस पता कहाँ जाता है, मैं करता हूँ आईफोन 11 प्रो से, तो उसमें क्या 60 FPS में भी ऑडियो रिकॉर्ड होती है, प्लस मेरे फ़ोन में वाइड एंगल लेंस दे रखा है। जो वाइड एंगल लेंस समझ में आ रहा भाई वो नहीं आ रहा, चलो समझा देते हैं कोई बात नहीं। देख क्या होता है, वाइडर लेंस क्या होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है, जैसे एक्शन कैम कर रहा है इस समय, जैसे मेरा फ़ोन करता है पूरा हैंडल वैंडल दिखता है, सामने का सब कुछ दिखता है ना, वो वाइड एंगल लेंस से ही होता है दोस्तों ठीक है। और जो सिंपल लेंस जो होता है, मेन प्राइमरी लेंस जो होता है, उसमें इतना फील्ड ऑफ व्यू कवर नहीं हो पाता है, इस वजह से आप लोग थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हो अपने फ़ोनों से रिकॉर्ड करते समय, समझे समझे दोस्तों, ये है दिक्कत। तो अगर आपका कोई तगड़ा सा फ़ोन है, और देखो एक चीज़ ये भी होती है, ऐसे मैं इतना महंगा फ़ोन लगा भी ले रहा हूँ यहाँ चिन पे, हर कोई लगाता भी नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फ़ोन से व्लॉगिंग करो भाई, मोटो व्लॉगिंग करो, इनफैक्ट मोटो व्लॉगिंग नहीं करो फ़ोन से, व्लॉगिंग तो खैर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है मोटो व्लॉगिंग के लिए गो फॉर दिस वन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे भाई एक्शन कैम का जो है रिव्यू देना है, तो ये रहा भाई रिव्यू। तो अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, जो जो चाह रहे हैं मोटो व्लॉगिंग करे वो, जो स्टार्ट करने की सोच रहा है, क्या हो गया गड्ढा ही तो हुआ है भाई, ऐसे रुक रुक के देखेंगे बताना क्या। चलते हैं घर फटाफट और करते हैं इस वीडियो को एंड या भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आती रहती है अपने चैनल पे, सो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। अब ऐसा